कोरोना काल में अफवाहों का दौर भी चरम पर रहा। जी हाँ, और अब एक बार बात करें तो क्योंकि दूसरी लहर कोरोना की आ चुकी है तो फिर से दूसरी तरह की अफवाहें भी शुरू हो गई हैं। एक तरफ तो कोरोना बढ़ रहा है तो वहीं अब इस बढ़ते कोरोना के बीच अफवाहों का दौर फिर शुरू हो चुका है और इन अफवाहों के बीच ऐसा लग रहा है कि देश में एक बार फिर से बड़ा पलायन देखने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। फिर से वो ही हालात, फिर देश देखेगा सबसे बड़ा पलायन। मजदूरों में एक बार फिर से खौफ दिख रहा है, फिर लोगों को घर में कैद होने का डर है क्योंकि कोरोना फिर से डरा रहा है। लॉकडाउन की चर्चाएं चल रही है, लोगों को डर है कि लॉकडाउन लग गया तो एक बार फिर से सब चौपट हो जाएगा, दो वक्त की रोटी के लिए तरसना होगा, लोग अपनों से दूर हो जाएंगे। लेकिन सवाल है कि अगर आपको इतना ही डर है तो लापरवाही क्यों की जा रही है। हालांकि लॉकडाउन की चर्चाओं पर पीएम नरेंद्र मोदी ने विराम लगा दिया है, लेकिन अब कोरोना के विरुद्ध अफवाहों का युद्ध छिड़ गया है। अफवाहों का ये दौर बेहद खतरनाक साबित होने वाला है। ये तस्वीरें हरियाणा के सोनीपत की है। बसों में बैठे ये प्रवासी मजदूर है जिन्हें डर है कि लॉकडाउन किसी भी वक्त लग सकता है। अगर लॉकडाउन लगा तो ये लोग पिछली बार की तरह इस बार भी बेबस हो जाएंगे, लिहाजा मजदूरों ने इस बार पहले ही घर जाने की तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल है कि अगर लॉकडाउन लग ही नहीं रहा तो फिर किस बात का डर है। यहाँ से प्लान कर रहे कोरोना के डर से, क्योंकि यहाँ 2 महीने था, कमरे का किराया भी डबल देना पड़ा और अनाज हमें महंगा मिल रहा, राशन हमें महंगा मिल रहा, इसीलिए हम कोरोना के डर से पहले ही भागे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला है, इसलिए हम घर भागे जा रहे हैं सारे। कोरोना का खौफ भी है तो कहीं लोग लापरवाह भी है। कोरोना के डर के बीच लोग अपने घरों को लौटने लगे थे, रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई है। लॉकडाउन की आहट में देश में एक बार फिर से बड़े पलायन की तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि अभी रेलवे की ओर से ट्रेन बंद करने या ट्रेनों की संख्या कम करने का कोई प्लान नहीं है, तो ऐसे में लोग किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि अभी देश में ना तो लॉकडाउन लग रहा है ना ही रेल सर्विस पर रोक लगाई जा रही है। देश में अभी सब कुछ सामान्य है, उम्मीद है कि स्थिति आगे भी बनी रहेगी, लेकिन ये संभव तब होगा जब आप सारे नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो देश भी सुरक्षित रहेगा। दवाई भी और कड़ाई भी, ये इस विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए जी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपको जुकाम की दवा ले ली और बाहर बारिश आ रही है, आप कहें मैं छाते का उपयोग नहीं करूंगा, ये नहीं चल सकता। आपको अगर जुकाम हुआ है, दवाई ली है, ठीक हुए हैं, तो भी अगर बारिश आ रही है तो आपको छाता रखना ही पड़ेगा, रेनकोट पहनना ही पड़ेगा। वैसा ही ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है जैसे हर प्रोटोकॉल में फॉलो करते हैं, इसको भी करना पड़ेगा। और मैं ये कहूंगा कि जैसे हमने पिछली बार कोरोना को नियंत्रित किया था वैसे ही हम इस बार भी कर लेंगे, मेरा पक्का विश्वास है। देश के प्रधानमंत्री बार बार दवाई और कड़ाई का मंत्र दे रहे थे, क्योंकि लोग वैक्सीन लगने के बाद कोरोना का खौफ भूल रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना के बीच सचेत रहें, खुद की चिंता के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अगर अभी नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं कि सरकार को एक बार फिर से मजबूर होकर देश में तालाबंदी करनी पड़ेगी, जिंदगी फिर से बेबस होगी। लिहाजा उन दिनों का एक बार फिर से सामना न करना पड़े, इसके लिए आप खुद सावधान रहें। रजत राणा, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।